Well, good evening, namaskar. This is Aparna Saini reporting from Intercontinental Double Bay, Sydney. Well, हम यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल में आपको बता दें कि इंडियन और ऑस्ट्रेलियन टीम दोनों ही रुकी हुई है. अभी कुछ ही देर पहले इंडियन और ऑस्ट्रेलियन टीम सिडनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट से सीधा यहाँ इंटरकॉन्टिनेंटल डबल बे उतरी. दो बसेस आई थी, उन दोनों बसेस में एक पहली बस में उतरे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और वो अपनी फैमिली बच्चों के साथ आए थे. सेकेंड बस में उतरे इंडियन प्लेयर्स और ऐसा कुछ नहीं दिखा कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम थी इंडियन और ऑस्ट्रेलियन टीम के बीच में. वो मैदान में उतरेंगे तब भी साथ में ही खेलेंगे. और इंडियन टीम के वो पांच ऐसे क्रिकेटर्स जिन पर एक्यूजेशंस हैं ब्रीच करने के ऑफ द बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का, नहीं किया था उन्होंने फॉलो, ऐसा कह के उनको आइसोलेट करेंगे अलग से. पर वो साफ होता है कि आफ्टर दे हैव बीन टेस्टेड फॉर कोविड और नेगेटिव आने पर उनका कोविड टेस्टिंग का रिजल्ट, वो लोग सब साथ में उतरे हैं दो बसेस में. पहली बस में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर्स और दूसरी बस में इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के साथ. और कुछ ही देर पहले वो अभी यहाँ पे अंदर गए हैं. दे वुड बी स्टेइंग हियर पूरे टाइम जब वो खेलेंगे यहाँ पे, जो कि शुरू होगा 7th of January से थर्ड टेस्ट मैच एट SCG. वेल, हम लोग आपको और भी अपडेट्स और कोई भी रीसेंट जैसे ही हमें खबर मिलेगी ऑन द 4th जो कि टेस्ट मैच है. अभी उस पर श्योर नहीं है कि वो गाबा में खेला जाएगा या फिर सिडनी में, पर ऐसा अब नजर आता लग रहा है कि हो सकता है कि वो गाबा में ही एज पर द स्केड्यूल खेला जाए. पर अभी भी उम्मीद है कि वो सिडनी में खेला जा सकता है, एज इवन इंडियन प्लेयर्स वुड वॉन्ट कि वो सिडनी में खेला जाए, तो उनके लिए बेटर रहेगा कि टू गेट फेमिलियराइज विद द कंडीशंस और बार बार आइसोलेट करना, चेंजिंग होटल्स एंड द फ्लाइट्स वो नहीं करना पड़े. और इसी के साथ एक भी सिडनी में न्यू केसेस नहीं आए हैं. टुडे वी हैव रिकॉर्डेड 0 न्यू केसेस इन सिडनी. दैट्स अ ग्रेट न्यूज. सो दैट माइट बी अ रीजन कि सिडनी में हो सकता है वेयर एज क्वींसलैंड में ना हो एट गाबा. वेल, उस पर हम आपको भी कोई कंफर्मेशन नहीं है. सो वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट. कीप वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू व्यू, शेयर एंड लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. दिस इज अपर्णा सैनी रिपोर्टिंग फॉर ABP News from Intercontinental Double Bay, Sydney.